आगरा ग्वालियर हाईवे स्थित बांधगांव से सैकड़ों किसानों की ट्रैक्टर रैली जिला मुख्यालय पहुंचने से पहले ही शासन प्रशासन की तरफ से रोहता नहर चौराहे पर ही रोक लिया गया। इस दौरान मलपुरा सदर किरावली सहित कई थानों का फोर्स किसानों को रोकने के लिए प्रयास में जुट गया और सड़क पर जेसीबी लगाकर किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोका गया। किसान जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की मांग कर रहे हैं। आगरा ग्वालियर हाईवे स्थित बांधगांव से सैकड़ों किसानों की ट्रैक्टर रैली जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुई, जिसको शासन प्रशासन की तरफ से रोहता नहर चौराहे पर ही रोक लिया गया। इस दौरान मलपुरा सदर किरावली सहित कई स्थानों का फोर्स किसानों को रोकने के लिए प्रयास में जुट गया और सड़क पर जेसीबी लगाकर किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोका गया। किसान जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन हर हालत में किसानों को शहर की नहीं जाना देना चाह रहा था। किसान और पुलिस के बीच काफी समय तक बातचीत चलती रही। किसान को शहर में जाने का अधिकार नहीं है, किसान शहर में नहीं जा सकता है क्या भाई? किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर शहर में जा रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और भारतीय किसान राकेश टिकैत जी जो है उन्होंने निर्णय किया है कि किसान जो है 21 फरवरी को अपने ज्ञापन को लेकर, अपनी प्रमुख मांगों को लेकर, उसमें मुख्यतः मांग है हमारी MSP, उसको लेकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन देना है आज हमें। तो यहाँ रोहता में रोका गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो आगे क्या प्लानिंग है और किस तरीके से आप अपना ज्ञापन देंगे? भाई हमको पहली बात तो हमारी है कि हमें रोका क्यों जा रहा है, हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, हम किसी से झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं, कोई अव्यवस्था नहीं फैला रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन हमको रोक रहा है तो प्रशासन की नीयत में खोट है। सरकार जो है वो इस तरह घिनौना काम हमारे साथ करना चाह रही है, किसान को शहर में ज्ञापन देने के लिए नहीं दे रहे। आंदोलन इस तरीके का जो कि आप सभी भली भांति जान रहे हैं, जो सिम्मू बॉर्डर पर हमारा किसान आंदोलित है, उसी के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज हम ट्रैक्टर मार्च निकाले थे और कलेक्ट्रेट शांतिपुर एक लाइन से ट्रैक्टर जा रहे हैं एक ही साइड में। मेरी समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं भाजपा सरकार, जो कि क्रेन इस तरीके से लगा दी गई है इस रोहता चौराहे पे दोनों साइडों से। मेरी समझ में यूँ नहीं आ रहा, जय जवान जय किसान का नारा लगता है जब ये किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेके कलेक्ट्रेट जा रहा है तो इनको क्यों नहीं जाने दिया? दूसरी चीज, जब किसान की, जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे उस समय इन्होंने संसद में भी आवाज उठाई थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को जमा पहराया जाए, और क्यों नहीं MSP गारंटी दे रहे, क्यों नहीं इनको स्वामीनाथन रिपोर्ट दे रहे? लेकिन किसान अपनी जिद पर टिके रहे। मौके पर ACB अचनेरा पूनम सिरोही, SDM सदर नवोदिता शर्मा, तहसीलदार रजनीश वाजपेयी, थाना प्रभारी ईश्वर सिंह तोमर और थाने का भारी फोर्स मौके पर पहुंचा। किसानों को समझा बुझाकर रोहता नहर पर किसानों का ज्ञापन SDM को सौंप दिया गया। मैं पहले तो आपको चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके मतलब कि जो मीडिया है, जो चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, आपने हिस्सा लिया। हमें आज जो हरियाणा और पंजाब के अंतर्गत जो किसान आंदोलन चल रहा है अपनी MSP की गारंटी कानून को लेकर, जो किसान आंदोलन में शहीद हुए थे उनको 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने के लिए, और अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी के लिए आज हम जिलाधिकारी महोदय के पास जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हमें यही रोक दिया गया। हम मांग ये कर रहे हैं कि जिलाधिकारी आगरा को यहाँ बुलाकर हम ज्ञापन दिया जाए जिससे कि हमारी बात को भारत सरकार सुन सके। जिसमें किसानों की तरफ से मुख्य मांग MSP गारंटी कानून थी, तो वहीं कुल 16 मांगों को लेकर किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह चौहर, सुखपाल सिंह, सावित्री चौहर, प्रेम सिंह चौधरी, जगदीश लवानिया, किशन वीर सिंह, मनोज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इस वक्त मेरी मौजूदगी है आगरा के ग्वालियर हाईवे स्थित रोहता नहर चौराहे पर, जहां मैं आपको बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की तरफ से जिला अधिकारी को आज ज्ञापन देने की बात कही गई थी और ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा था। इसी बीच शासन प्रशासन की तरफ से किसानों को ग्वालियर हाईवे स्थित रोहता पर रोक लिया गया है, पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है और किसानों को जिला अधिकारी के पास तक नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रशासन लगातार हर संभव प्रयास कर रहा है, तो वही किसान इस बीच अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि MSP लागू हो और जो हरियाणा और पंजाब में किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन की बात किसान कह रहे हैं। किसानों का कहना है कि आज उन्हें जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें रोहता नहर चौराहे पर रोक लिया गया है। इस दौरान
कई थानों का पुलिस फोर्स साथ ही एसडीएम सदर भी मौके पर पहुंची हैं और किसानों को समझाने का प्रयास कर रही हैं। अब देखना होगा कि किसान अपनी ट्रैक्टर यात्रा को यहीं से स्थगित करेंगे या फिर कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगे और अपनी बातों को रखेंगे।